अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज मैं आया हूँ चार मीनार के दरमियान में। जैसा कि आप सभी को मालूम है, मिलाद उन्नबी का मौका है, तो यहाँ पर कैसा मंजर है और कैसा यहाँ पर लोग जमा है और कैसा तरीके का क्राउड है, हर चीज़ हम यहाँ पर बताएंगे आप लोगों को। बने रहिए हमारे व्लॉग पे और देखते रहिए TYD सिनेमा अपडेट। तो फाइनली हमारे बीच मौजूद है हमारे अवेश भाई, आ गए। और हमारे बीच हमारे अवेश भाई के भाई परवेश भाई और इब्राहिम भाई यहाँ पर मौजूद है। तो भाई कैसा मंजर है यहाँ का, ज़रा क्या है कहने पर आप पब्लिक को बताना है। देखो भाई, हमारे पूरे जितने हो सकते हो पूरे पब्लिक आखिरी चीखा पुकारे नारे नारे लगाने आता नहीं आता, अपने को आता पहले ज़रा एक बार लगाओ तो सही। बोलो बोलो अरे नहीं यार, नारे लगा रहे थे क्या, वो तो भाग गया ना। दुनिया की पब्लिक है, क्राउड है फुल, खाली सेल्फी 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 फोटो फोटो भर रहे। देखो भाई भी जब से फैन है भर रहे, ऊपर से आए हमारे अबू भाई। यार झूठ की इम्तिहान हो गया। चलो चार मीनार के बेबहरा मंजर हमारे बीच मौजूद है और भाई बेबहरा झंडा फिराने वाले। बता मैं मसला, यहाँ पे हमारे अवेश भाई क्या बोलते हैं सो ठहरे हुए, मेरा टाइम कब आता है कहने की झंडा फिराने का। अब हमारे अवेश भाई भी किराक हो गए, नहीं सुनते हो बोल के बोल रहे हैं। अब उन्होंने भी झंडा फिराते हो, देखो कैसा फिरा रहे हैं, आखिरी कुमा। ये क्या बात है, क्या बात है, और स्पीड उस साथ अभी अब लोग यहाँ से निकलने वाले। अवेश भाई के कुछ दोस्त आ रहे थे यहाँ पे, तो वो लोग ही थोड़ा गैंग में शामिल होने का, उसके बाद में बेभरा मसला करने वाले, चीखा पुकारे बहुत, मैया कफन दफन ला जाना तफीस ज़रा सब मिला के आखिरी कोमा कर देने वाले अवेश भाई। अब देखेंगे क्या करते क्या है क्या नहीं, वो व्लॉग में मालूम होता आप लोगों को। चलिए बहरहाल, जैसे कि आप सभी ने देखा था अभी व्लॉग में, तो हमारे अवेश भाई और अवेश भाई के सारे साथी यहाँ पर मौजूद थे। जैसे कि अली भाई हमारे मौजूद है और हमारे परवेश भाई को तो मिला दिया हुआ, और हमारे भाई भाई अपना नाम अलमदार भाई, अंधेरे में आ रहे थे मुझाले में तो भाई हमारे क्या बोले भाई अलमदार अलमदार भाई मौजूद है हमारे भी, और हमारे भाई खालिद भाई माशाल्लाह से भाई, ज़रा कम बोलते शायद नहीं माने, वो तो मैं फोटो में भी नहीं आता मैं ज़्यादा। फिर आज कैसा आ गए आप पूरे चल रहे हैं आ गया ऐसा है। तो भाई का भी चैनल है क्या दोस्तों, हमारे अली भाई का भाई कौन सा चैनल है अपना, इनकलाब टीवी, इनकलाब टीवी न्यूज़ बेहतरीन क्या दोस्तों, न्यूज़ वगैरह डालते रहते हैं, एक बार जाके वॉच करिए, देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और भाई को सपोर्ट करिए। और आगे का क्या है क्या नहीं, आगे बहुत ही बेहतरीन क्या दोस्तों, यहाँ पर रैली होने वाली है तो वहाँ पर भी हम लोग शिरकत करने वाले, आगे का क्या है क्या नहीं अपन देखिए। और इस वक्त मैं हूँ मादाना पेट की सरजमीन पे, जो हमारे बीच मौजूद है हैदराबाद की शान वन एंड ओनली उबैद भाई। तो अबू हमारे उबैद भाई बोलिए मादाना पेट के लिए, और कैसा था यहाँ का मंजर और आपका दिन कैसा था मिलाद-उन-नबी का।
बोलिए कुछ आप आइए। और हमारे बीच हमारे उमर भाई भी मौजूद है। जुलूस आ रहा, जुलूस सामने आ रहा। जी भाई मोहम्मद भाई के पास से हम मोहम्मद भाई बोल रहे। कैसा था आज का दिन? जबरदस्त था, कैसा गुजरा आज का दिन आपका? माशाल्लाह, चार मीनार फिरे ने फिरे ऐसे ऐसे लोग क्या बोले बोले वो ट्रैफिक पीछे से लगे ठुमके नारे वारे लगाए लगे जबरदस्त नारे लगाए आवाज अभी भी छाया एक नारा दे देना नारे तक हमारे जाबेर भाई भी मौजूद है। वीडियो में कम आते भाई, जरा शर्माएंगे तू भाई, वीडियो में आना जरा। देखो इधर इधर देखो भाई, नया नए नौशा है भाई, नए नौशा है भाई। वाले शादी का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? कब कर ले रहे शादी आप भैया? फिर से एक और एक शादी करने का है भैया, फिर से एक और एक शादी करने का है। अभी तो एक ही हुई इंशाल्लाह, और एक करी अभी तो एक ही हुई इंशाल्लाह, और एक करी। भैया बाला चले हो यार, अभी से बाला ज्यादा बढ़ गए भैया, जा रहे नहीं ऐसा लग रहा मेरे। अच्छा कुछ शादीशुदा लोगों के कुछ टिप है? मैसेज एक करे बात और एक एक कर लो, एक करे बात और एक एक कर लो, बेहतर माशाल्लाह भाई, बेहतरीन मॉडलर दिख रहे हैं भाई। एक आध स्टूडियो में आओ करो भाई, करो करो अच्छी बात करेंगे। एक आध कुछ कॉमेडी का डायलॉग अलग दे सकते तो दीजिए अपनी है देख स्टूडियो में भी भाई। शायरी वायरी कुछ भी फोटोशूट चल रही माशाल्लाह से, हमारे उमर भाई शूट कर रहे हैं। आज के सेलिब्रिटी नहीं दिख रहे हैं ये, क्या फोटो हैं, क्या फोटो हैं भैया। एक फोटो मैं भी लेता ना जी। सौ का दलाने जा रहा हूँ। नहीं मतलब कितने का पेट्रोल में कितना माइलेज दे रही आपकी गाड़ी आज? कितना फिर आज? 40 देती। सौ का दलाने जा रहा हूँ। क्या बात है, क्या बात है। कितना फिर आज सुबह से? पैदल फिर। पैदल फिरे भैया? गाड़ी है ना जी, अब भी लेके आ गई। अच्छा गाड़ी ले, किसकी? आपकी से? अच्छा माशाल्लाह, आईडी भी है, फॉलो करो भाई की आईडी है। ये तो अपना प्रमोशन बोल रहे ना तो भाई की आईडी को भाई क्या है? एक्स ए एम एम यू, ये बीच का खा गया क्या? ये अंडरस्कोर है, ये भी बोला। अच्छा एम यू एक्स, तो इसका मतलब क्या है? आईडी है नहीं, आईडी है लेकिन नाम क्या है, मतलब क्या है ये? कुछ उसके बारे में आप सोच के तो कुछ बनाएंगे ना भाई। इंटरटेनमेंट रहा तो मज़ा आता, पब्लिक कैसा इंटरेस्ट लेती भाई। कटिंग का नाम क्या है? कटिंग का नाम मेहमान भाई। भाई कितने में बनती कटिंग हो? 60 रुपये में। नहीं भैया जमाना तो बदल गया भैया, 120 रुपये में हो रहा है। 60 रुपये बना रहा भैया, कहाँ एड्रेस बोलो ना, हम भी आते घुमावड़े में। भाई अपना नाम नहीं बोले भाई? भाई का नाम रजी भाई है। रजी भाई, क्या बात है, क्या बात है। मैं नौशा पहली बार आता है भाई जी, और 3 तारीख को शादी थी, 3 तारीख को शादी, 5 तारीख को वलीमा था। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ अच्छा। जान दो हमारी ऑडियंस के लिए क्या बोलना चाहेंगे अब आप? ऑडियंस के लिए यही बोलना चाहेंगे शादी ना कर लो। जी जी, अरे भाई शादी कर लो, लेकिन दोस्त ऐसे और भी शादी कर लो, पूरी जिम्मेदारी आदि उठा लिए थे भाई, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी मकबरी में थे। शादी तुम करो, जिम्मेदारी उन्होंने उठाए भाई। जिम्मेदारी बोले तो कामों की खातिरदारी करनी थी, अच्छा लोगों को देखनी थी, अड्डू पर देखिए वो हर चीज़ जरा पूरे देने थे, हम अकेले खा लेते। सही बात है, सही बात है। भाई का भी मसला था भाई, उमर भाई भी थे। खाने में क्या था बोलो खाली? खाने में मच्छी वच्ची मराग वराग दबा के था, अरे पुलाव था हफ्ता। हाँ ये क्या खाता है भाई? देखो नया था पुलाव। अच्छा पुलाव बोले तो भाई वो कश्मीरी पुलाव नया निकला के थे रख लिए अपन। दावत हमारे को नहीं दी अब तक, आप मिले ही नहीं। अच्छा मिल गया ना, दिमागी में आ जाओ फिर अब। अरे भाई दिमागी में आवर रहे हैं भाई, ये क्या है? तो फाइनली अभी आ गया हूँ मैं घर पे, और काफ़ी सारा आज इंटरटेनमेंट हुआ, और काफ़ी सारा थक भी गए हम लोग, और काफ़ी सारे हमारे दोस्तों से भी मुलाकात हुई, जैसे कि हमारे अवेस भाई और जितने भी हमारे उबैद भाई, अली भाई, और काफ़ी सारे जिसका नाम नहीं लिया उनसे मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो बहरहाल आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और हमारे वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक फैलाइए। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।